फ्रेंड्स, यदि आपके 30,000 मिनट पूरे हो चुके हैं और पेज पे 10,000 फॉलोअर्स भी पूरे हैं, लेकिन फिर भी पेज मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा 30,000 का कैटेगरी और हमारे 10,000 फॉलोअर्स कैसे पूरे हो गए हैं। और फ्रेंड्स, 10,000 फॉलोअर्स पूरे होने का तो कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि 10,000 फॉलोअर्स जब पूरे हो जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। लेकिन जब हम वीडियो डालते हैं और हमारा 30,000 मिनट पूरे होने के बाद भी हमारा पेज जब मोनेटाइजेशन नहीं ऑन होता, तो हमें फिक्र हो जाती है कि ये क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज की वीडियो आपके लिए बताने वाला हूँ ये, तो मैं आपके सारे डाउट करूँगा क्लियर। तो उससे पहले मैं हर बार की तरह सभी फ्रेंड्स को कहता हूँ, जो हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल का आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस कर लेना, था जो हमारे द्वारा जो भी हम नई वीडियो डालेंगे वो आपको एक नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम एक फेसबुक पेज पर। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, पहले तो आपको अपने फेसबुक पेज पर आना है, ठीक है। उसके सेशन जो है मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाना है और यहाँ पर ओवरव्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इन स्ट्रीम एड्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जितना भी कैटेगरी है वो यहाँ पर मिल जाता है कि हमें हर पेज पर 10,000 फॉलोअर्स और 30,000 मिनट जो कि एक मिनट तक वीडियो को व्यू किया हो वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको शी मोर पर क्लिक करनी है, सॉरी लर्न मोर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपकी एक नई विंडो खुल जाएगी। और यहाँ पर आपको जाने के बाद क्या करना है, आपको सी स्टेटस पर क्लिक करना है, और जब ही आप सी स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर नहीं जाना है फ्रेंड्स, यदि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको डैशबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप मेरी तरह मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको थ्री डॉट पर जाना है। थ्री डॉट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगी डैशबोर्ड सेटिंग, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। तो यहाँ वहाँ पर क्लिक करते ही आपका ये नेक्स्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है फ्रेंड्स। नीचे आने के बाद आपके जितने भी पेज है वो वहाँ पर शो हो जाएंगे जिन पर अभी तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पेज पर आपको लेके चलता हूँ, जैसे कि फोन ट्रिक्स, जैसे कि मेरे चैनल का नाम भी फोन ट्रिक्स है, तो मैंने इस नाम पर एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर फेसबुक पर कौन सा कैटेगरी है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे कैटेगरी नॉट मीट यानी कि यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, ब्रांड कोलैबोरेशन मैनेजर भी अभी तक उसका भी कैटेगरी पूरा नहीं हुआ, और इन स्ट्रीम एड्स का भी कैटेगरी पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एड स्ट्रीम पर यदि पता करना है कि हमारे कितने मिनट और कितने हमारे फॉलोअर्स कम हैं, तो यहाँ पर आपको करना है शी कैटेगरी पर क्लिक, सॉरी व्यू कैटेगरी पर क्लिक। तो यहाँ पर आपको जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपके जो 1% अभी तक फॉलोअर्स हुए हैं और 0% तक आपकी वीडियो है, वो आपको अपने आपके पेज पर डिपेंड है फ्रेंड्स, आपने कितनी वीडियो डाली है और कितने मिनट आपके कितने परसेंट हो आपका पेज विजिबल हो चुका है मोनेटाइजेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वाली अपडेट मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमें चेक करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आप जो फेसबुक वालों ने ये वाली अपडेट दी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपको भी खैर अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमें जो भी कैटेगरी चेक करना है तो हमें व्यू कैटेगरी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ये बता देगा कि आपकी एंगेजमेंट कितनी अभी कम पड़ी है क्योंकि कितनी ज़्यादा है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम कई बार अपनी जो वीडियो है टिकटॉक की वीडियो वगैरह या इंस्टाग्राम से वीडियो उठाकर हमारे पेज पर डाल देते हैं, और उससे होता क्या है, वो वीडियो ज़्यादा चल जाती है और दूसरी जो 5 मिनट या 3 मिनट के ऊपर होती है वो कम चलती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे मिनट की काउंटिंग होती है। और जो आपको वहाँ पर शो रहता है कि आपका 30,000 मिनट पूरा हो गया है, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा जो काउंट होना है वो होना है 3 मिनट के ऊपर की वीडियो में से सिर्फ 1 मिनट हर एक
फ्रेंड्स ने आपका व्यू किया हो तो तब होगा। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी अपडेट जो फेसबुक वालों की तरफ से मिली और ये बहुत ही अच्छी है। और फ्रेंड्स आपको सभी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो आपकी प्रॉब्लम है कोई फेसबुक पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।